तो भैया अगर आप भी फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हो तो देखो नियम कानून जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आई होप कि आपने कल वाली मेरी वीडियो ज़रूर देख लिया होगा जिसमें मैंने बताया था बहुत डिटेल्स में कि फेसबुक ने एक अपने इंस्टीमेट्स को कन्वर्ट किया है अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, जो कि अभी इनविटेशन बेस्ड था, लेकिन अब काफ़ी लोगों का जितना भी इंस्टीमेट्स इन रिव्यू में पड़ा हुआ था या बहुत टाइम से रिव्यू के अंदर पड़ा था उनका सेटअप से बाहर आया, अगेन उन लोगों के पास में फिर से ऑप्शन आया कि इसको सेटअप कर सकें। लेकिन अब समस्या एक यहाँ पे ये खड़ी होती है कि अगर सेटअप आ चुका है, इन रिव्यू से बाहर आया है बहुत टाइम के बाद, तो उसको सेटअप करें या ना करें, पहला डाउट। सेकंड चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला भी हुआ है, देखो अभी तो इंस्टीमेट से रिप्लेस किया है क्योंकि शुरुआत में ही फेसबुक ने बताया था कि भाई आपका एड्स एंड रील्स बोनस और आपका इंस्टीमेट्स ये सब चीज़ों को मिला के उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे देगा। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये भी है कि कई ऐसी वीडियोस है जिसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल होने के बाद में भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, वहाँ पे भी लोग गलती क्या करें वो भी आपको ध्यान देना है। देखो तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझो ताकि आपको ना बहुत क्लियर हो जाए, और अगर आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है ताकि आपकी रेवेन्यूज का नुकसान ना हो। सेकंड, अगर आपके पास में इंस्टीमेट्स दोबारा सेटअप के लिए आया तो करें या ना करें। थर्ड, अगर आपने सेटअप कर दिया है तो क्या होगा, ये हर एक चीज़ को डिटेल्स में समझो स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि सबसे पहले कि आपके पास में यहाँ पर कंटेंट जो मोनेटाइजेशन के टाइम में आप आओगे तो आपको यहाँ पर ये चित्र जरूर देखने को मिलेगा कि इंस्टीमेट्स बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का आइकन था। लेकिन शायद आपको इस बात का पता हो या आपने ध्यान दिया हो या ना ध्यान दिया, तो इंस्टीमेट्स का आइकन अभी ऐसा दे दिया और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का आइकन चेंज कर दिया है, जो मैंने थंबनेल में लगाया है ना एग्जैक्टली कुछ वैसा, तो वो थोड़ा सा येलो कलर में थोड़ा सा आइकन हो गया है अलग तरीके से। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, फेसबुक स्पेशली बोल रहा है कि भाई अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक फॉर ऑल योर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कॉन्टेंट, लेकिन आप देखो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया मैंशन ही नहीं किया, जीरो ऑफ जीरो, यानी ऐसा बोल रहा है कि इसके हिसाब से जीरो और जीरो का मतलब कि कोई क्राइटेरिया है ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, बट मुझे लगता है कि ऐसा ये नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया तो रखेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अभी कुछ फुल अपडेट नहीं है, कुछ ना कुछ अभी कमी है, क्योंकि आप देखो अगर ऐसा कुछ होता ना तो वहाँ क्राइटेरिया डालता, और आप यहाँ पर नोटिस करो स्पेशली इसने मैंशन किया है कि इंस्टीमेट्स इज नाउ पार्ट ऑफ कॉन्टेंट मॉडरेशन टूल, नाउ एप्लीकेशन फॉर इंस्टीमेट्स आर पोस्ट, यू कैन एक्सपीरियंस इन इंस्टीमेट्स एड्स ऑन रील्स परफॉर्मेंस बोनस एंड सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, राइट। लेकिन एक और मुद्दे की बात यहाँ पे देखो ध्यान से, सब कुछ आप एक जगह ट्रैक कर पाओगे। अब लोग बोल रहे हैं सर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अरे भैया कुछ नहीं, सिंपल सा लिख दो ना कि आपका भाई सब कुछ जेन्युइन कंटेंट, आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, और बस और क्या, थोड़ा सा दो तीन लाइन लिख के बस सबमिट कर दो, इंटरेस्ट दिखा दो। इंटरेस्ट दिखाने में क्या जा रहा है, किसी ने मना थोड़ी किया है। अब ये तो हो गया कि जो आपका अभी करंट टाइम पे दिख रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने सेटअप कर दिया तो क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोगों का अब यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं तो उनके साथ देखो क्या सीन हो रहा है वो भी देखो, क्योंकि मेन बात ये नहीं कि सेटअप कर देना, मेन चीज़ है उसके बाद वो बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा। जब जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये रेवेन्यू वगैरह हो भी रही है पहलवान जी की हमारे, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये देखो इनके पास में भी एग्जैक्टली यही केस था कि पहले इंस्टीमेट्स में 4-5-6 महीने से पड़ा हुआ था, बाहर आया तो इन्होंने बस ठीक है कैसे भी करके इन्होंने डाल दिया। तो यहाँ पे देखो इनका फिर से क्या हुआ, इंस्टीमेट्स सेम आइकन है, सेम सब कुछ है, ये क्या हो गया इन रिव्यू में चला गया और लिखा रहा अन मनी फ्रॉम फेसबुक फॉर ऑल योर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कंटेंट। जैसे इस पर क्लिक करो तो आपका देखो फिर वही केस दिख गया, क्या दिखा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू स्टार्ट यूजिंग इंस्टीमेट्स, यू विल बी नोटिफाई इफ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। मतलब इनको करीब करीब 2 हफ्ता तो ऑलमोस्ट हो ही गया इनको किए हुए, इसको सबमिट किए हुए या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है नहीं कि भैया आप वहाँ पे सेटअप कर दोगे तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने जितने भी लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि सर सेटअप करो या ना करो, मैंने सबको यही बोला कि भैया थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी एक बार पूरा इसको फुल अपडेट हो जाना देन उसके बाद फिर उसको जाकर सेटअप करना। अब कई ऐसे लोगों में बोलेंगे अरे सर सेटअप नहीं करें तो पता कैसे चलेगा, ये देख लो आपके सामने यही पता है, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा सकते ना भाई। देखो यहाँ पर ये रहा, अगर आप सेटअप कर भी दोगे ना तो यही होगा, ये आपका फिर से इन रिव्यू में पड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अभी सेटअप के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, अगर लगता है कि नहीं यार भेज देना चाहिए तो वो आपका कॉल है, आपकी इच्छा है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो बिना सेटअप के तो अप्रूवल भी नहीं होगा, लेकिन ये
मना भी कर रहा है, स्पेशली उसने पिछले वाले में आपको दिखाया बोल दिया कि हम एप्लीकेशन को रिव्यू करना बंद कर चुके हैं। तो दोनों मुद्दे हैं ना, देखो एक जगह पे अपडेट पे वो ये बोल रहा है कि हम इंस्टीमैट्स की एप्लीकेशन को हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उसको हमने रोक दिया है। दूसरी जगह पे जो लोग सेटअप में भेज दे रहे हैं वैसे उनका ये इंस्टीमैट्स ऐसे रिव्यू में दिखेगा, तो क्या फ़ायदा? आपको पहले जब वो मना कर रहा है हमने रोक दिया है, तो भाई क्यों कर रहे हो वो काम? थोड़ा ध्यान रखो ना। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि जिनका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको मैं एक डिटेल्स में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसके ऊपर 13 लाख का यहाँ पे व्यूज़ है, और 13 लाख का व्यूज़ के ऊपर आप देखो नंबर ऑफ प्लेस है, थोड़ा सा नीचे होगा सेटिंग के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इनेबल है, बट जब इसको फर्स्ट टाइम पे जब मैंने देखा तो ये डिसेबल था, यानी कि जो अर्निंग का टैब जो स्विच जो टॉगल है वो आपका ऑफ पड़ा था। आप देखोगे नंबर ऑफ प्लेस बहुत ज़्यादा है, 13 लाख का हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं कि नंबर ऑफ प्लेस अभी इस टाइम पे कितना है, ये रहा देखो आप यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे बिल्कुल सही है यहाँ पे जो है इस पे 13 लाख का यहाँ पे ट्रैफिक है, और आपके सामने डेटा जो है आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मैं वही कहूँगा आपको भी देखो कि सेटिंग में जाके आप एक बार ज़रूर चेक कर लो, जो अगर आपका इंस्टीमैट्स एड्स ऑन रील्स या इंस्टीमैट्स परफॉर्मेंस बोनस कोई भी चीज़ जो आपने आपको अगर मिला है अपने पेज या प्रोफाइल पे और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुका है, तो जाके उसको ज़रूर ट्रैक कर लो कि आपकी कमाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। कहाँ से देखना है? सेटिंग के अंदर जाके देखना है। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड बहुत डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ट्रैक में रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो आपका 13 लाख का अगर आपके पास में नंबर ऑफ प्लेस भी हो जाए और रेवेन्यू आपका कुछ ना बने। तो उसके लिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कंडीशन बहुत अलग अलग हैं। एक वो कंडीशन है कि जो लोग बेचारे परेशान हैं कि भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, दूसरे वो परेशान है कि मिल गया लेकिन रेवेन्यू नहीं, और जैसा कि मैं आपको 13 लाख वाला दिखाया, तीसरे वो लोग हैं जो सेटअप आ चुका है करें या ना करें, चौथे वो लोग हैं जो सेटअप कर चुके हैं इन रिव्यू में भी है, जबकि फेसबुक ने स्पेशली मना किया है कि भाई मैंने जो है इन रिव्यू को मतलब जो एप्लीकेशन को रिव्यू करना हमने अप्रूव करना अभी हमने रोक दिया है, कहाँ भेज रहे हो? मैंने कई लोगों को रिप्लाई में डाला लेकिन लोग फिर भी धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक बार नेक्स्ट कोई अपडेट और आने दो, देन उसके अकॉर्डिंग, फिर अदरवाइज ऐसे पड़ा रहा रिव्यू में क्योंकि उसने पहले अपडेट में बोल दिया कि हमने अब इसको स्टॉप कर दिया है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एंड वंस अगेन गाइज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कल की वीडियो पे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। एंड कोई भी सुझाव, कोई भी अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, डायरेक्टली आप मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, बटन है, डायरेक्टली आप वहाँ पर क्लिक करके अपना टाइम स्लॉट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और शेयर देखो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ना जाने कितने लोगों का आपके एक शेयर से फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो को दबा के शेयर करो, आप भी सीखो दूसरे को भी सिखाओ, और अपना प्यार ऐसे बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ।